कन्नौज खनन अधिकारी किनार के नीचे महीनों से हो रहा सरकारी नाले का खनन, जहां योगी सरकार खनन माफियाओं और भूमाफियाओं पर निरंतर अधिकारियों के माध्यम से शिकंजा कसते नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं अधिकारियों की लचर व्यवस्था और खनन माफियाओं के तालमेल से योगी सरकार की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। ताजा मामला कन्नौज के सोरिक नगर पंचायत का है। नगर पंचायत का करीब 71 बीघा तालाब जो भूमाफियाओं ने तालाब की कई बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। उपजिलाधिकारी को जब इस बात की सूचना मिली तो नगर पंचायत के कर्मचारी अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और अधिकृत कर रहे मिट्टी डालकर तालाब में मौके पर मौजूद ट्रैक्टर हाइड्रा को कब्जे में लिया। मजे की बात के साथ बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब वहां खड़े अधिकारियों के साथ आम जनमानस सोच में पड़ गया कि खनन पर योगी सरकार का इतना चाबुक चलने के बाद भी आखिर हजारों ट्राली मिट्टी कहां से आई। लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, पत्रकारों की टीम सोरिक नगर के करीब से निकला सरकारी नाले के समीप जा पहुंची तो देखकर बहुत चक्के रह गए कि सरकारी नाले की खुदाई ग्रामीणों के अनुसार कई दिनों से रात के अंधेरे में की जा रही थी। मौजूदा स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया गया कि कई किलोमीटर खनन माफियाओं ने सरकारी नाले की खुदाई कर डाली और खनन अधिकारी अन्य जिले के आला अधिकारियों की नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। जब इस वाक्य को लेकर पत्रकार राघवेंद्र सिंह की बात खनन अधिकारी से हुई तो खनन अधिकारी ने अपने संज्ञान में न होने की बात कही और पत्रकार से पलट के कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकारी नाले के रखरखाव की जिम्मेदारी खनन अधिकारी या अन्य अधिकारियों की है या फिर जैसा कि सूचना देने की बात कह रहे हैं खनन अधिकारी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में जाकर आप भी सुनिए खनन अधिकारी और पत्रकार के बीच की बातचीत। डीडी टुडे न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो, हाँ हाँ बताएं। राघवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सुदर्शन न्यूज चैनल से। बताएं। अरे सोरिक में भाई साहब करीब महीनों से ये लगातार नाला सरकारी नाला खोदा जा रहा था, कम से कम हजारों ट्राली मिट्टी निकल गई। तो आप लोगों के किसी के संज्ञान में नहीं आया और यहाँ सोरिक में फिर आके मिट्टी सरकारी तालाब को घेरा भी जा रहा था। जब हालांकि आज एसडीएम साहब ने पकड़ा तो आप नाले का जो मूल्यांकन किया है हमको बताइए। सोरिक में बता रहे हैं जी, सोरिक में कहाँ पे? सोरिक में सरकारी बरसाती नाला है, अरवानपुर से निकलता हुआ जाता लंबा करके। तो आप समझिए कम से कम 1.5 किलोमीटर इन्होंने महीनों से खोद रहे होंगे। तो वहाँ के लेखपाल जानकारी नहीं है? अब बरसाती नाला यही जानते हैं कि जानकारी आपके संज्ञान लेखपाल के माध्यम से हो या संबंधित अधिकारी के माध्यम से हो, तो हम ये जानना चाह रहे हैं। पता करते हैं, इसमें रिपोर्ट हो सकता आई हो। नहीं नहीं आपके संज्ञान में ही आया था, अभी तो नहीं है। देखिए ये नहीं, आज की पहली बात नहीं है सर, ये महीनों से खुदाई चल रही थी उस पर, हमको तो अभी पता चल रहा है। सोरिक में बरसाती नाला बता रहे हैं। हाँ बरसाती नाला आई से समझिए आप, करीब 1.5 किलोमीटर करीब करीब 4-5 फीट गहरा उन्होंने खोद डाला निरंतर रात रात हर रात वहाँ से जो ग्रामीण वहाँ पे हम तो फोटो वोटो सब करके लाए हैं, निरंतर खुदाई की गई। लेकिन हमको नहीं लगता कोई ऐसे खोद सकता है बिना परमिशन का। नाला तो सर नाला की तो परमिशन तो आप नहीं देते होंगे कि किसी खनन वाले को और नाला खोदे वो। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि कोई खोदेगा तो पकड़ा तो जाता ही है। नहीं साहब पकड़ा, ये हम आपको बता रहे हैं कि 1 महीने से खुदा है और बाकी हम फोटोग्राफ भेज रहे हैं आपको और मतलब जो ग्रामीणों की बाइट लगातार निरंतर खुदा दो दो तीन तीन रात करीब 1.5 महीने से प्रक्रिया चल रही है, मिट्टी भी पाई गई। आज तो एसडीएम साहब सब पकड़ ले गए, लेकिन हम वो तो पकड़ लिया यहाँ नगर में जहाँ मिट्टी थी करीब। अगर अगर पकड़ाया सही है उस पे जो है सारा चीज नाप आप हो करके फाइन लगेगा, वो सब्जेक्ट आप अलग है। लेकिन वो जो जहाँ एसडीएम साहब ने पकड़ा वो तो जगह पे मिट्टी पकड़ी है, तालाब सरकारी तालाब को अधिकृत कर रहे थे, लेकिन ये सब्जेक्ट दूसरा है कि सरकारी नाला ही महीनों से खोद रहे थे जो किसी के संज्ञान में ही नहीं, किसी अधिकारी के संज्ञान में नहीं, यहाँ तक कि आप बता रहे हो ना। नहीं हमारा बताना ना बताना तो भाई साहब पहले बताए हैं क्या कौन कुछ ना हुआ हो? नहीं नहीं तो साहब हम तो मेरा तो ये बताने का काम भी नहीं है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं आपके संज्ञान में था कि नहीं था। हमारे नहीं था तो नहीं था तो ये तो अभी मेरे पता चला है। अब साहब आप भाई बात तो बहुत बात कर रहे हैं कि 1 महीने से चल रहा था। अरे भाई अच्छा आप बताइए 1 किलोमीटर की खुदाई 1 महीने से कम में हो भी नहीं जाएगी, एक रात में तो हो नहीं जाएगी। अच्छा किस चीज से? अच्छा एक आम आदमी या पत्रकार को बताने का मतलब ये थोड़ी सारी सूचनाएं सर मेरे ही द्वारा हूँ उस पर आप काम करेंगे, हमने तो आप विभाग है हमने कहा शायद आपके संज्ञान में है कि नहीं है। भाई अब कल को पुलिस महकमा कहेगा कि रात में बदमाश वहाँ गए तो आपने हमें बताया तो ये साफ कोई बात नहीं हुई, हालांकि आपको ये खास थोड़ी खराब लगी होगी। अब हमको नहीं पता, हमारे पास तो स्टेटमेंट नहीं। आपका जो सवाल था कि आपने हमें बताया आज आपने बताया। हाँ तो आप कल को कहने लगे कि रात में वहाँ डकैती पड़ रही थी आपने हमें क्यों नहीं बताया?
आप हम ये कह रहे हैं भाई एसपी साहब, अभी एक महीने से चल रहा है तो हमको हमने एक आइडिया बताया कि 1 किलोमीटर की खुदाई साहब एक महीने से कम में नहीं होगी, एक रात में नहीं हो सकती है, और आखिर कैसे होती रही ये कह रहे हैं हम। मशीन से है कि कैसे है? जेसीबी से है तो साफ दिख रही है। हमारे जानकारी में तो यही है कि अगर कहीं मशीन चलती है परमिशन नहीं तो तुरंत बंद हो जाती है वो। भाई नाले की तो परमिशन शायद आपके यहाँ नहीं होगी कि सरकारी नाला खोदो जाके, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। हाँ तो हमने आपको चलो हम तो ये कह रहे हैं हमने आपके संज्ञान डाल दिया और उसका आप अवलोकन करवा लें, सरकारी नाला खुदा पड़ा भाई तो है वो नहीं जाएगा रात भर में कोई भर देगा, मशीन से ही खुदी जो मिट्टी पकड़ी गई वो एसडीएम साहब ने यहाँ नगर में सोरिंग में पकड़ी भी है। ठीक ठीक तालाब को अटके होगी उसकी जांच में, अगर ये है अगर उसके द्वारा किया गया है जी जी उसके पर पूरी नहीं हम तो करें उसके द्वारा न किया गया किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। भाई खनन तो सरकारी मिट्टी तो आपकी है विभाग की है, हाँ तो चोरी करने वाला कोई भी हो जी बताओ कोई है क्या बताए। हम तो सर इतना जानते हैं कि जब आज मिट्टी पकड़ी गई तो करीब 1.5 किलोमीटर उस नाले की खुदाई हुई वहीं पकड़ी गई थी जी, जहाँ से यानी किया जा रहा था वहीं से पकड़ी गई है। नहीं नहीं मिट्टी तो यहाँ से नगर में पकड़ी गई, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है तालाब में डाली जा रही जो नाले की खुदाई हुई आखिर वो मिट्टी क्या किसी परमिशन से हुई? जांच होगा तभी तो बाहर आएगी सारी चीज। हम ये नहीं कह रहे जांच नहीं होगी, अब आप एक दिन में हर एक चीज हम नहीं बता पाएंगे। नहीं नहीं हमने ये भी नहीं कहा आप हमें बता दें, अब यही पे बात आ गई आप हमें एक दिन में बता नहीं पाएंगे, आप कह रहे हमें आपने एक महीने पहले क्यों नहीं बताया? एक चीज होता है कि आपने एक महीने पहले बताया फिर पूछा रे साहब, हमने एक आइडिया बताया कि साहब एक इतनी लंबी खुदाई एक दिन में नहीं हो सकती हमने ये बताया, अब एक महीने या 15 दिनों से हो रही तो क्या आपके अधिकारी या कर्मचारियों के संज्ञान में नहीं था कि सरकारी जगह से सरकारी नाले से खनन का काम चल रहा है और निरंतर चल रहा है? हाँ तो ऐसा होगा आप जांच कर लीजिए, ये तो आपका विषय है। चलिए ठीक साहब।